दोस्तों अटवचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एंड्रॉइड फोन की इंटरनल स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, जो 99% एंड्रॉइड यूजर अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है और अभी भी परेशान है, क्योंकि आपके फोन में 8 GB होगा या 16 GB होगा या 32 GB या 64 GB, अपने फोन के जो इंटरनल स्टोरेज है ना, उसके अंदर ना ऐप को डाउनलोड करके रखते हैं ज्यादा, ना गेम को इंस्टॉल करके रखते हैं, ना मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, ना सॉन्ग वगैरह, लेकिन फिर भी जो है ना अचानक आपके फोन के जो स्टोरेज है ना, कभी 10 GB जो है ना ऑटोमेटिक कम हो जाता है, कभी जो है ना 5 GB, कभी 6 GB, यानी कि आपको फोन के अंदर स्टोरेज जो है ना अचानक फुल होने लगता है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि हमारे फोन के अंदर जो है ना यहाँ पे फालतू का जो है मेरा स्टोरेज जो है ना यहाँ पे लिया हुआ, मैं अपने फोन के अंदर कुछ भी रखा नहीं, लेकिन यहाँ पे रनिंग स्पेस बता रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर दो ऐसी खुफिया सेटिंग बताऊंगा, यदि आप ये दो सेटिंग आप कर लेते ना, तो आप आपके मोबाइल के जो इंटरनल स्टोरेज है ना, बिना कुछ डिलीट किए जो ना, कम से कम जो ना 10 से लेकर 15 GB तक आप बड़ी आसानी से खाली कर सकते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, और ये सेटिंग जो ना आज तक आपको पूरी YouTube के अंदर नहीं बताया होगा, मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो के अंदर बताने वाला। यदि आपके फोन के भी जो ना इंटरनल स्टोरेज से काफी ज्यादा परेशान है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो ना काफी तबाही वीडियो और आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को देखते रहे। तो चलिए मैं आपको बता देता फटाफट ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप 15 से लेकर 10 GB तक कैसे खाली कर सकते हैं, वो भी एंड्रॉइड फोन के इंटरनल स्टोरेज को। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो अटोगा यूट्यूब चैनल। यदि जानना चाहते हैं ना, तो उससे पहले क्या कीजिए, आपको एक छोटी सी काम करना होगा। सबसे पहले जो है ना इस वीडियो को लाइक करना होगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक का टारगेट है कम से कम 7000। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और जो जो लाल वाला बटन है इसको क्लिक करके चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और ये जो ऑल नोटिफिकेशन है इसे दबा दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी एंड्रॉइड यूजर इस वीडियो को देखने के बाद वो भी अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और नीचे जाएंगे ना, नीचे जाने के बाद आपको एक छोटी सी कॉमेंट करना होगा, यहाँ पे स्टोरेज फुल करके आपको कॉमेंट लिख करके सेंड कर दीजिए कॉमेंट के अंदर। तो बस आपको ये छोटी सी काम करने के बाद मैं आपको सबसे पहला खुफिया सेटिंग बता देता हूँ। दोस्तों आपके फोन में तो क्रोम ब्राउजर तो होगा ही होगा। दोस्तों ये जो क्रोम ब्राउजर आप डेली लाइफ यूज करते होंगे, यानी कि आप जब से फोन को लिए होंगे, आप अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर तो आप यूज करते होंगे, ढेरों सारे ऐसे वेबसाइट के अंदर जाते होंगे, बहुत सारा चीज किए होंगे क्रोम ब्राउजर के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी खुफिया सेटिंग है, यदि आप ये सेटिंग को बंद नहीं करेंगे ना, डिलीट नहीं करेंगे ना, तो आपके फोन के अंदर स्टोरेज जो है ना अंदरूनी फुल होता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहां पे मैं क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन करना, ध्यान से देखना होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। और ये जो 3 डॉट है ना, इसके अंदर जाना होगा, और ये जो सेटिंग देख रहे ना, सेटिंग के अंदर जाना होगा, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो साइड सेटिंग है ना, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारा सेटिंग मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, और यहां पे जो है ना स्टोरेज का जो सेटिंग देख रहे ना, स्टोरेज, इसको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद यहां पे ढेरों सारे से वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों एक-एक वेबसाइट आपको कितना-कितना MB लेता होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने दोस्तों कल की डेट में मैंने अपने दूसरे मोबाइल के अंदर 10 GB को मैंने डेटा को खाली किया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये वेबसाइट मुझे 144 MB यहां पे लिया हुआ, यानी कि दोस्तों लगभग बहुत ज्यादा MB यहां पे ले चुका, जिससे कि फालतू का मेरा स्टोरेज को फुल कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा कि बारी-बारी से आपको यहां पे डिलीट करना होगा, जैसे कि यहां पे क्लिक करना और यहां पे क्लियर कर देना होगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। यदि आपके बहुत ज्यादा यहां पे है ना आपका, जैसे एक-एक जो यहां पे देख सकते हैं कितना-कितना वेबसाइट, कितना-कितना MB लिया हुआ, सिर्फ यहां पे ऑल करना। ऑल करने पे दोस्तों यहां पे क्या करना होगा, कुछ इस तरह से ऑल क्लियर कर देना होगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पूरा चीज जो है ना ऑल क्लियर हो चुका है। यदि दोस्तों आपके फोन में ये, तो मैं तो कल भी, मैं तो हर मंथ के अंदर जो है ना, मैं ये सेटिंग के अंदर आने के बाद मैं डिलीट करता हूं। यदि आपको नहीं पता होगा, तो आप सोच के देखिएगा कि आप वो सेटिंग के अंदर जाने के बाद, दोस्तों सच में बता रहा हूं कि कम से कम जो है ना कि आपके फोन के स्टोरेज जो है ना 5 GB 6 GB तो लिया होगा स्पेस, जो आपको पता नहीं होगा। तो ये सेटिंग के अंदर आना है और आपको ये सेटिंग को बंद करना अभी तुरंत। तो चलिए मैं आपको बता देता दूसरा और लास्ट सेटिंग के बारे में, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये सेटिंग को ऑन करके रखते हैं। तो वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद ये जो 3 लकीरें है इसको क्लिक करना है, और ये जो सेटिंग है ना, सेटिंग के अंदर जाएंगे। जैसे सेटिंग के अंदर जाने के बाद ये जो देख रहे ना ऑटो अपडेट्स ऐप नजर आता होगा, तो यहां पे क्या होगा कि आपके फोन में सेटिंग ऑन होगा, ओवर नेटवर्क होगा, यानी कि आपके
मोबाइल के अंदर नेटवर्क आप सेलेक्ट किए होंगे, तो जो भी आपके नेटवर्क ऑन करेंगे ना अपने सेलुलर नेटा, तो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, एप्लीकेशन जो ना ऑटोमेटिक अपडेट होगा, आप बिना पूछे समझे जो ना ऑटोमेटिक अपडेट होगा, और आपके फोन के स्टोरेज जो ना काफी ज्यादा खत्म करेगा। आपको पता है कि फेसबुक कितना स्टोरेज लेता है? कम से कम 500 MB स्टोरेज लेगा, और यदि आप ऑटो अपडेट में छोड़ देंगे ना तो वो डेली का डेली अपडेट आता रहेगा, और इससे क्या ना कि आपके फोन हैंग भी करेगा, स्लो भी चलेगा, और जो फेसबुक यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, डू नॉट ऑटो अपडेट पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि आप जो है ना वाईफाई को भी कनेक्ट करेंगे ना, तो सेलुलर नेटा भी कनेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो ना आपका जो है ना अपडेट एप्लीकेशन नहीं होता रहेगा। जी हाँ, तो इससे आप बचेंगे ना, तो आप अपने फोन के स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये दो सेटिंग के अंदर से, जो आप लोगों को 100% पता नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी जबरदस्त और बहुत ही कमाल के लगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कितना ज्यादा हेल्पफुल लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।